बाद 24 से निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी हर्षित शर्मा ने सुंदरपाड़ा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। वह मोहनपुरा से हैं और युवा प्रत्याशी के रूप में देखे जा रहे हैं। आज उन्होंने इस क्षेत्र में जनसंपर्क किया। हर्षित शर्मा का जनसंपर्क तेज हो रहा है। जब उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता से बात की तो उन्होंने बताया कि पूर्व में रहने वाले पार्षद ने यहाँ कोई काम नहीं किया है। हमने अपने क्षेत्र का बेटा हर्षित शर्मा को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवार बनाया है और उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाना है। इस तरह से क्षेत्र का विकास होगा। भैया हर्षित भैया को जिताएंगे, पूरे फुल बहुमत से जिताएंगे। हमारा 11 समाज का वोट पूरा हर्षित भैया ही को जाएगा, ये हम खुल के कह रहे हैं। हर्षित भाई को ही जिताएंगे। हमें बढ़िया लगा भैया को देखा हमने। देखो और नेता थे, उन्होंने कोई काम नहीं करा। किस तरह की समस्या है क्षेत्र की, मतलब क्षेत्र में किस तरह की समस्या है? यहाँ पे बिजली की परेशानी है बहुत। एक्चुअली ये है, मैं मेरा नाम दीपक है, दीपक धाकड़ है। मैं नगर निगम से डूडा आगरा से हूँ। मैं जो समस्या काफ़ी समय से बहुत दिक्कतें यहाँ पे आ रही थी सुंदरपाड़ी के अंदर। फर्स्ट टाइम पे जब मैं आया था यहाँ पर सर्वे करने के लिए 11 बस्ती के अंदर मैं आया था, तो उस टाइम पे यहाँ पर छप्पड़ वगैरह पड़े हुए थे। जिस स्थिति में देखते हुए आज मैंने यहाँ पर जो योगी जी ने जो किया है, प्रधानमंत्री जी ने किया है, जो इनको मकान दिलवाया है, और आज भी आप देख रहे हैं यहाँ पर आप सबके पक्के आवास मिल चुके हैं। तो जो भी कुछ इनकी खरंजे की भी समस्याएं हैं, अभी इनकी पानी की भी समस्याएं हैं, और ये मंदिर की भी इन्होंने हमसे कहा है मंदिर के लिए एक मंदिर होना चाहिए। तो हम भी चाहते हैं हर्षित शर्मा जी जीतते हैं तो एक मंदिर का हम इनका करते हैं, निर्माण कराएंगे, पक्का करवाएंगे, बिल्कुल विश्वास से हम कहते हैं। हर्षित को तो पूरे समर्थन मिल रहा है, 100% ही हो रहा है हमारे हिसाब से तो। हर्षित शर्मा, हर्षित कहाँ जनसंपर्क करने आए हो? आज हम आए हैं 11 बस्ती में, ये मेरे वार्ड में ही आता है, वार्ड नंबर 24 मोहनपुरा में। किस तरह का समर्थन मिल रहा है यहाँ से? पूरी बस्ती मेरे साथ है, इन सबका बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। किस मुद्दे को लेकर आप क्षेत्र में जा रहे हैं? यहाँ सबसे बड़ी समस्या बिजली की है, इन लोगों की बिजली कटी हुई है, इसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, और इनने कई बार नगर निगम में भी बात करी है और कई बड़े नेताओं से भी बात करी है, पर इनकी कोई सुनवाई नहीं है। ये बड़े परेशान हैं उस चीज़ को लेकर। इनकी सबसे पहली समस्या जो हमें सॉल्व करनी है वो बिजली की है। जीतते ही क्या कहेंगे क्षेत्रवासियों से? क्षेत्रवासियों से यही निवेदन है कि इतना अमूल्य वोट।